हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप भी बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने के लिए आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हमारे स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र दिख रहा होगा, तो आपको भी एक ऐसा ही आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है। उस कॉपी से आपको एक पेज निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपको एक डॉट पेन लेना है। डॉट पेन लेने के बाद अब आपको यहाँ पर ऊपर लाइन में आपको दिखा देगा, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है सेवा में। आवेदन में सबसे पहले हम किससे शुरुआत करते हैं, सेवा में। फिर आपको यहाँ पर लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक। फिर उसके नीचे आपको अपने बैंक का नाम, आपका बैंक जो भी होगा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक इलाहाबाद, या फिर HDFC, IDFC, कुछ भी होगा, यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम डाल देना है। उसके बाद बगल में आपको अपने बैंक का पता डाल देना है कि आपका बैंक किस शहर में है, आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद उसके आपको फिर एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर विषय डालना है। विषय में आपको क्या लिखना है, खाते से संलग्न मोबाइल नंबर बदलने के लिए। फिर आपको एक लाइन छोड़कर महोदय लिखिए। महोदय के फिर आपको एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखेंगे सबिने से। सबिने निवेदन है कि मैं संजय कुमार, जहाँ पर संजय कुमार लिखा है यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, सबिने निवेदन है कि मैं, आपका जो भी नाम होगा अपने नाम को डालेंगे, आपके बैंक का एक खाताधारी हूँ। एक लाइन पूरी हुई। फिर यहाँ पर आपको इसके आगे बढ़ जाना है, मैंने हाल में ही अपना मोबाइल नंबर बदला है, इसलिए मैं अपने नए नंबर को अपने खाते में जोड़ना चाहता हूँ ताकि लेन देन की जानकारी प्राप्त कर सकूँ। फिर आपको एक लाइन छोड़कर अपना नया वाला नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नया मोबाइल नंबर, एक नंबर टाइप किया हुआ है। फिर इसके जस्ट आपको नीचे एक लाइन छोड़कर अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे मोबाइल नंबर को खाते से जोड़ दें, इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। इतनी लाइनें लिखने के बाद फिर आपको थोड़ा गैप देना है एक लाइन का। फिर आप नीचे लिखेंगे नाम, नाम के आगे आपको अपना नाम दे देना है। फिर नीचे खाता संख्या, यहाँ पर आपको अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है वो दे देना है अपने बैंक का। फिर नीचे नया नंबर, आपको अपने नया मोबाइल नंबर जो है आप ऐड कराना चाहते हो, नीचे यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको सबसे नीचे हस्ताक्षर लिखा यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। तो ये आपका आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ऊपर साइड में यहाँ पर आपको देख सकते हो ये दिनांक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको सबसे ऊपर साइड में अपना जो डेट होगा, जिस डेट में आप अपना आवेदन पत्र लिख रहे हो उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है दिनांक 21 नवंबर 2021, यानी कि 21 तारीख में मैंने आवेदन पत्र लिखा। तो ये आवेदन पत्र क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक की जो पासबुक है उस पासबुक को किसी दुकान पर फोटोकॉपी कराकर और आपको इस आवेदन पत्र को एक साथ ले जाकर बैंक में दे देना। इससे होगा क्या, आपका नया वाला नंबर आपके बैंक अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरह आप बैंक में नया मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।